नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। यस बैंक पर दोस्तों लगातार खबरों का फोकस बना हुआ है। यस बैंक दोस्तों अभी खबरों के सिलसिले में ज़्यादा यहाँ पे फोकस में आ चुका है। यस बैंक के शेयर में अब क्या होगा, आगे निवेशकों को शेयर से निकलने के लिए कितना करना होगा इंतजार, यानी कि बैक टू बैक एक और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यस बैंक की तरफ से यहाँ पे आपको आता हुआ। चलिए दोस्तों इस पूरा ऑब्जर्वेशन को अपन देख लेते हैं और किसका ऑब्जर्वेशन यस बैंक पे, वो भी अपन यहाँ पे जान लेते हैं। दोस्तों यस बैंक के बारे में आपको बता दें कि यस बैंक को अभी यहाँ यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करो दोस्तों यस बैंक के, यहाँ पे देख सकते हैं यस बैंक के शेयर 18 अगस्त को 0.44% गिरकर 11.20 रुपये पर बंद हुए। दिन भर के कारोबार के दौरान यस बैंक के शेयर 11.10 रुपये यानी 11 रुपये 10 पैसे पे यहाँ पे आ चुके थे, जो कि यस बैंक का ये 52 का निचला स्तर इसने लगा दिया है। यानी कि इसके एक दिन पहले 11.20 का लगाया था, अब आज यानी कि अभी पिछले कल की बात करें तो कल इसने 11.10 का भी लेवल इसको यानी कि हर बार बिल्कुल कंटिन्यू लो लगा रहा है। तो लेकिन देखें तो 11.20 और 11.10 का जो लो है बिल्कुल एक समान ही है, और इसका अगर 55 के लोग की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये लगभग लगभग 11.20 का ही निकल के आता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि यस बैंक के शेयरों में आगे क्या होने वाला है, क्या अब ये हर दिन लो का नया रिकॉर्ड बनाएगा, यानी कि आपको जो मैंने बात बोली वही बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि यस बैंक कंटिन्यू एक नया लो लगा रहा है। कंटिन्यू आप देखें अगर 10 दिन से अगर इसको नोट करें, 15 दिनों से इसको अगर वॉच करें तो आप देख सकते हैं 15 दिनों का अगर इसका आप कैंडल उठा के देख लीजिए, चार्ट उठा के देख लीजिए, कंटिन्यू एक नया लो यस बैंक लगातार नजर आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों बात यह आ रही है कि यस बैंक ऐसे इससे नया लो कंटिन्यू लगाता हुआ चला जाएगा, तो तेजी नया लो का रिकॉर्ड बनाएगा, यहाँ पे इसमें तेजी लौटेगी। तो ये दोस्तों यस बैंक के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं, यानी यस बैंक के शेयर पर सवाल खड़े हो गए हैं और निवेशकों की दोस्तों चिंता कंटिन्यू यहाँ पे बढ़ती हुई, क्योंकि नया लो लगा रहा है शेयर, उसके बाद में निवेशकों की चिंता तो बढ़ेगी क्योंकि लगातार देखे तो आधा महीना गुजर चुका है लेकिन नया लो ये कंटिन्यू ही लगा रहा है। अब यस बैंक दोस्तों एक बार फिर 50 रुपये इसके ऊपर लेवल को छू सकता है, ये क्या यस बैंक पे क्वेश्चन लग गया, क्या यस बैंक 50 रुपये का लेवल को छू सकता है। लोगों को काफ़ी उम्मीद है यस बैंक 400 टूट के आया तो ये तो यानी कि लगभग लगभग 100 तो चला ही जाएगा, 200 चला जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें देखे यहाँ पे मैंने आपको कल ही बताया था कि 2000 करोड़ शेयर तो अभी नए यहाँ पे जारी किए गए हैं, तो 50 के लेवल को तो छू सकता है लेकिन वहाँ पे ऊपर जाने ऊपर इसके ऊपर भी चला जाएगा, 100 भी चला जाएगा, 150 चला जाएगा। इसके लिए यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है जो यहाँ पे 20-25 के रुपये में इसको खाली करना होगा, ताकि वो जो ऑपरेटर है उनको वापस से 20-25 के बाद में पकड़ने का मौका ही नहीं देगा, इसको 50 के बाद में डायरेक्ट 120 को पकड़ा देगा। लेकिन अगर ये 20-25 के लेवल पर दोस्तों शेयर होल्डर्स अगर खाली नहीं होते यहाँ पे, यानी कि मैं कहूँ यार इसको वापस एक बार जंप कराएगा वापस 15 रुपये के आसपास, 15 रुपये जंप करा के वापस इसको 14 रुपये का लेवल भी वापस दिखा सकता है, या मैं कहूँ 13.5 का लेवल इसको दिखा सकता है शेयर होल्डर्स को वापस निकालने के लिए, अगर वहाँ पर शेयर होल्डर्स खाली होते हैं ऐसे करके 20 के लेवल पर 20 के पहले पहले शेयर होल्डर्स ये खाली करने की कोशिश करेगा। अगर शेयर होल्डर आधे से शेयर होल्डर खाली हो जाए दोस्तों यहाँ पे 25 का लेवल यस बैंक में देखने को मिलेगा, 25 का लेवल भी 25 का लेवल अगर शेयर होल्डर्स खाली नहीं होते हैं तो भी इसमें यस बैंक में देखने को मिलना तय है, यस बैंक में यस बैंक का 25 का तो टारगेट मिलना तय है। लेकिन 50 का लेवल दोस्तों बहुत जल्द मिलेगा, ये कब मिलेगा, जब शेयर होल्डर्स अगर पूरी तरीके से आधे शेयर होल्डर्स अगर खाली हो जाते हैं तो यस बैंक दोस्तों यहाँ पे जो खरीदारी जो नीचे कर रहे हैं वो लोग ऊपर जाके खरीदारी ना कर पाए, तो इसको ऑपरेटर फटाफट से अपर सर्किट पर पकड़ा देगा और वापस से यस बैंक को आपको जो 50 का लेवल दिखाई दे रहा है वो आसानी से छूता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी ये ऑब्जर्वेशन अपनी है, लेकिन आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं यहाँ जो बड़े जो ब्रोकर्स हैं उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे पूरे अपन देख लेते हैं। यस बैंक का मैनेजमेंट अपनी तरफ से तमाम कोशिश कर रहा है ताकि बैंक को पटरी पर लाया जा सके, लेकिन फिलहाल इसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। यस बैंक ने 2020 में फंड जुटाने के लिए 10 से 13 रुपए के रेंज में 2000 करोड़ नए शेयर जारी किए थे, हालांकि इतने कम भाव पर शेयर जारी करने के बावजूद भी यस बैंक के आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या 2500 करोड़ है, यानी कि 2500 करोड़ पूरे शेयर हो चुके हैं, 500 करोड़ पहले के शेयर थे और 2000 करोड़ नए शेयर जारी कर दिए हैं, तो कुल मिला के शेयरों की यहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गई है। और 18 अगस्त तक यस बैंक का मार्केट कैप यानी कि 28.24 करोड़ रुपए हो चुका है और इसके शेयर 11.20 रुपये बंद हुए हैं। यस बैंक के शेयर 100 रुपये पर ट्रेड करते हैं तो इसका मार्केट कैप आपको पता है 2.5 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप होता अगर 100 पे ट्रेड करता, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी यस बैंक है, यानी कि अभी की तुलना में बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी। अगर 100 पे चला जाता है इसका शेयर तो आपको पता है 2.5 लाख करोड़ यस बैंक का जो मार्केट कैप है वो होता हुआ दिखाई देगा। चलिए दोस्तों आगे का ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पे आपके सामने कंटिन्यू अपन पढ़ लेते हैं, फटाफट आपको दिखा देता है कि यस बैंक में आगे क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे
पर निकल के आ रहा है, बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकर के द्वारा, बड़े बड़े दिग्गज जो रिसर्च है उनके द्वारा। चलिए दोस्तों, दूसरे बैंकों के सामने क्या यस बैंक का हाल देख सकता है, ये भी आप जान लेते हैं। और अभी तक यस बैंक टिकाओ प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना पाया है, यह रिकवरी के रास्ते पर। हालांकि जब हम दूसरे बैंकों से यस बैंक की तुलना करते हैं तो कई रेशो से एकदम सही तस्वीर नहीं बन पाई है। हालांकि प्राइस टू सेल्स रेशो के आधार पर हम यस बैंक की तुलना दूसरे बैंकों से करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक सीआईएस इंडस्ट्री में सबसे बेहतर और इसकी बैलेंस शीट सबसे मजबूत है। यह शेयर बाजार में बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। जब हम कोटक बैंक और यस बैंक की तुलना आमदनी के मल्टीपल रेशो पर करते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक का प्राइस टू सेल्स रेशो 11 और यस बैंक का 1.6 है। इससे संकेत मिलता है कि अगर एनपीए रेशो, सीएस रेशो और नेट इंटरेस्ट रेशो, सॉरी वन मिनट एक अपन यहाँ पे देख लेते हैं, नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन है रेशो भी 11 के लेवल पहुँच सकता है। इस प्राइस टू सेल्स रेशो के आधार पर यस बैंक के शेयर 70 रुपये पर पहुँच सकते हैं। यानी कि किसके आधार, प्राइस टू सेल रेशो के आधार पर यस बैंक की वैल्यू जो है 70 रुपये तक आ जाती हुई दिखाई दे सकती है। यानी कि प्राइस टू सेल्स रेशो यस बैंक का बहुत ही जोरदार है, जिसकी तुलना आपको कोटक महिंद्रा बैंक से करके दिखाई है। आपको देख सकते हैं बड़े बड़े जो यहाँ पे रिसर्चर हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये दोस्तों ये तुलना की गई है। लेकिन यह सिर्फ कैलकुलेशन है, हकीकत में ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि आपको भी पता है मुश्किल है। यस बैंक का लेवल अभी 25 रुपये के आसपास जाना ही काफ़ी मुश्किल है, डिफिकल्ट है, लेकिन जाएगा, ठीक है। लेकिन 50 तो आपको पता काफ़ी डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर होल्डिंग खाली हुई तो यहाँ पर आसानी से 50 का लेवल भी छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे सी जी पावर की बात करें, 4 रुपये से 90 रुपये का लेवल यहाँ पर टच कर चुका है। लेकिन सी जी पावर 4 से लेकर आपको पता 15 के रुपये में काफ़ी मैंने उसने बिताए थे, 4 रुपये से 15 के बीच में काफ़ी मैंने बताए थे। लेकिन जैसे 15 को क्रॉस किया उसके बाद में यहाँ पे शेयर होल्डर्स की होल्डिंग खाली होती गई और सी जी पावर आपको पता आगे बढ़ता हुआ गया। यानी कि कुल मिलकर हल्का यहाँ पे होना जरूरी है किसी भी चीज़ को, अगर अपन यहाँ पे देखें दोस्तों, उड़ने के लिए हल्का होना जरूरी है, उड़ने के लिए इसको हल्का होना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, बीच बीच मेरी तरफ से यहाँ पे कमेंट आते रहते हैं, आपको उदाहरण में देता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे ध्यान भी रहे कि सी जी पावर भी 4 रुपये 90 के लेवल यहाँ पे टेस्ट कर चुका, तो यस बैंक अभी यहाँ पे 11 रुपये के आसपास है। ये आपको 50 के लेवल भी छूता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन 25 के टारगेट मैंने आपके लिए रखे तो वो आपको यहाँ पे यस बैंक मिलते हुए दिखाई देंगे। देर ही सही, लेकिन यहाँ पे मिलते हुए आपको जरूर दिखाई देंगे यस बैंक में। ऐसे दोस्तों पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, बाकी दोस्तों 1% कुछ भी हो सकता है मार्केट में, क्या पता यस बैंक के शेयर वापस से कुछ कंडीशन अभी ऐसी आ जाए कि वापस से कुछ गफला आ जाए, वो अपन कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे अब सब कुछ क्लियर होता हुआ नजर आया, तो यहाँ पे उम्मीद यही है कि यस बैंक में आगे ऐसा कुछ गफला का मामला शायद शायद ही आए। यहाँ पे अपन यही कि जो का यस बैंक का जो मैनेजमेंट बना है, तो यस बैंक में आगे सारी जो तस्वीरों में क्लियर है, यस बैंक का आगे का जो ग्रोथ है वो आपको साफ साफ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पे कहें कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक के बीच प्रॉफिट का है, प्रॉफिटेबिलिटी और क्षमता का बहुत फर्क है। यानी कि बैलेंस शीट के सामने यस बैंक कोटक बैंक से काफ़ी छोटा है। यानी कि अब आपको पता है, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक की तो लाखों में बैलेंस शीट है, और अभी हाँ इसकी देखें तो मतलब अगर मैं इसकी मार्केट कैप की बात करूँ, जिसकी हज़ारों में मार्केट कैप है, ठीक है, कई सारी दोस्तों करोड़ से तुलना की गई, जैसे कि इसका 28 करोड़ के आसपास है, कोटक महिंद्रा बैंक 1 लाख करोड़ के आसपास भी हो, उसके भी ज़्यादा हो सकती है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसकी बैलेंस शीट में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। यस बैंक के दोस्तों अगर शेयरों में कोई प्रमोट होल्डिंग नहीं है, ये एक बड़ा मतलब इशू है, बड़ा कारण है, बड़ा एक मतलब डिफॉल्ट है, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है कि यस बैंक का प्रोमोटर ही नहीं है। मैं कुल मिला यस बैंक के प्रोमोटर के पास कोई होल्डिंग ही नहीं है। ये बात ही है कि यस बैंक के शेयर जो प्रोमोटर बिल्कुल खाली है, 0-0 यहाँ पे इनके शेयर दिखाए गए हैं। देख सकते हैं यस बैंक के शेयर में कोई प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है, कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है यस बैंक में। अब कोई प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है, जो बैंक अपनी ओनरशिप पर ध्यान रखी है, यस बैंक की मौजूदा शेयर होल्डर ओनरशिप लगातार घट रही है। यानी कि देखें तो आउट स्टैंडिंग शेयरों की संख्या बढ़ रही है। फिलहाल ये बैंक का सबसे बड़ा फोकस अपने काम का जो संभालना और बिजनेस के रिस्क को कम करना है। कहाँ तक जा सकती है यस बैंक के शेयर, ये बड़ा पॉइंट है दोस्तों। यस बैंक का शेयर कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे वो बात कही, 50 का आंकड़ा यहाँ पे फिर से दिखाया गया है कि यस बैंक के साथ जो दिक्कतें हैं उन्हें देखते हुए इस बात की उम्मीद बहुत ही कम है कि इसके शेयर में कोई जानदार तेजी आ सकती है। कंपनी के लिए 50 रुपये इसके ऊपर निकलना बहुत मुश्किल है। बैंक के मौजूदा फाइनेंशियल पोजिशन को देखते हुए अगर यस बैंक के शेयर 20-15 रुपये तक भी पहुँचते तो बड़ी बहुत बड़ी बात है। यानी कि 15-20 रुपये भी इनके लेवल को कठिन कर दिया गया। आपको मैंने पहले कहा कि 15 से लेकर वापस 15-20 में जाएगा, इसको वापस फिर से गिराएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स को खाली कराना बहुत जरूरी, ऑपरेटर को। जब वो खाली नहीं होंगे तो वापस यस बैंक यहीं पड़ा रहेगा। अगर वो खाली हो जाते हैं दोस्तों, एक बार खाली हो जाते हैं, उनको किचिटिंग करके कैसे भी करके खाली कराएगा, क्योंकि वो एक बार देगा कि वापस ऊपर जा रहा है, नहीं वापस नीचे आना यस बैंक। जब भी वो ऊपर जाएगा और खाली हो जाएंगे तो यस बैंक फिर नीचे नहीं आएगा, फिर ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन वो अगर ऊपर जाके अगर वो खाली नहीं करते वापस नीचे जरूर आएगा, फिर वो नीचे आएगा और नीचे आएगा। लेकिन ऊपर जाने के बाद अगर उनको लग रहा है कि नीचे आएगा यस बैंक का शेयर, तो वो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। उनको लग रहा है कि मैं यहाँ पर 16 पर निकाल लेता हूँ, 18 पर निकाल लेता हूँ, वापस 15 तो आएगा ही, वापस ही ले लेंगे, तो फिर वो नहीं आएगा दोस्तों। यही तो दोस्तों ऑपरेटर की चाल है यहाँ पे यस बैंक में। यही तो कहानी बन रही है कि एक बार शेयर होल्डिंग खाली हो जाएगी तो वापस नीचे नहीं आएगा, यस बैंक अपसाइड में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।